ओके तो आज की जो अपडेट है वो ये है कि हुकूमत आज से नौजवानों के लिए डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटर्नशिप शुरू करने जा रही है, जिसमें 3 माह के कोर्स में गूगल, फेसबुक और यूट्यूब ट्विटर समेत यूट्यूब और ट्विटर समेत दीगर आलमी कंपनीज के माहरीन ट्रेनिंग देंगे और UNDP की तरफ से मुआवजा अलग। तो ये देखते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम है और ये कौन सी इंटर्नशिप है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो यंगस्टर्स हैं उन्हें दी जा रही है। तो आप सबसे पहले गूगल में जाके टाइप करेंगे PM डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने टाइप किया है, तो ये जो लिंक्स हैं वो ये ओपन हो जाएंगे, जो आज की इनोग्रेशन सेरेमनी वो भी आ जाएगी। देन हम इसके मुख्तलिफ लिंक ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया और क्या प्रॉपर मेथड है इसके एप्लीकेशन का। तो एक जो इसका ये जी इसका होम पेज है, डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे मेंशन है प्राइम मिनिस्टर्स, और यहाँ पे एक जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन है, राइट। तो लेकिन सबसे पहले हम इसके क्राइटेरिया देखते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है। सो आपके पास जो एलिजिबल हैं वो एप्लीकेशंस मस्ट बी इन द थर्ड और फाइनल ईयर ऑफ एनी ऑफ दीज बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स। तो या तो वो थर्ड ईयर में होंगे, बिकॉज अगर 4 साल डिग्री कर रहे हैं तो या तो थर्ड ईयर मीन्स के 6 और 7 सेमेस्टर या लास्ट 2 सेमेस्टर्स में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें मैथ कम्युनिकेशन टॉप पे है, इंटरनेशनल रिलेशंस IR, जर्नलिज्म, देन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन मीडिया साइंसेस, देन कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, राइट। तो ये एलिजिबल ये लोग इन डिग्री होल्डर्स के या इन इनमें डिग्री करने वाले लोग एलिजिबल हैं। मैथ्स कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो आगे है, एप्लीकेशन शुड बी इन द एज ऑफ एप्लीकेंट शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 19 to 25 years, जो एज ब्रैकेट है वो ये रखी गई है। स्टूडेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड मदरसास में आल्सो अप्लाई। सो जो स्टूडेंट मदरसा से पढ़ रहे हैं लेकिन वो मदरसा रजिस्टर होना लाजमी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट है, बिकॉज एजुकेसिटी पे बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो ओवरसीज हैं, जो कि काफ़ी क्वेरीज वगैरह भेजते रहते हैं, तो उनके लिए पॉइंट है ये लास्ट। ओवरसीज स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, दे विल बी अपॉइंटेड इन द एम्बेसी ऑफ द कंट्री ऑफ स्टे, राइट। सो ओवरसीज स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और ये दे विल बी अपॉइंटेड इन द एम्बेसी ऑफ द कंट्री ऑफ स्टे। सो वो जिस कंट्री में है उसके एम्बेसी से रिलेटेड उनको कनेक्ट या अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो ये तो उसका मेन सारा डेटा और सारा एलिजिबल जो लोग हैं उनका सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये आपके पास मेन वेबसाइट है। बिकॉज आज लॉन्च हुआ है तो शायद आज आप लोग अप्लाई ना कर सकें, लेकिन जल्द से जल्द करना है आपने। वेरी इजी प्राइम मिनिस्टर डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम गूगल पे सर्च करके। देन जो मैंने इसका दूसरा लिंक ओपन किया था, तो वो इसकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई में आपने अपना फुल नाम, फादर नेम, CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और रेज्यूमे या CV। सो जो लोग बिकॉज ये तो इनिशियल क्राइटेरिया है, जो लॉन्च हुआ है, आप सब लोग जो कर सकते हैं अप्लाई वो अप्लाई करके देखें, अपने रेज्यूमे या CV जमा करवाएं। तो हो सकता है जो बाकी लोग भी हैं जो इस एज ब्रैकेट से या इनकी डिग्री थोड़ी डिफरेंट है, उनके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी निकल आ सके। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, यही है कि जो गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इसकी डिटेल साथ साथ आती जाएंगी, तो हम साथ साथ शेयर करते जाएंगे। ऊपर इनका इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब और फेसबुक हैंडल मौजूद हैं, इनको भी आप लोग देख लें और फॉलो कर लें, ताकि ये जो अकाउंट है ये डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान का है, जो कि DPMP को प्रॉपरली डिफाइन किया जा रहा है कि क्या 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 प्रोग्राम है। इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी, इसकी डिटेल्स, तो आपको इस जो
ट्विटर हैंडल है, इस पर मिल जाएंगी बाकी डिटेल्स आपको, अगर ये यूट्यूब है देन और फेसबुक और इंस्टाग्राम है। सो बेसिकली अगर आप इनका जो मेन चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, उनको सब्सक्राइब करें, जैसे ये डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान का एक और यूट्यूब।